वो भी स्टार्ट होती है एक सेमिनार को दिखाते हुए, जहाँ पर प्रोफेसर विल अपने एक स्पेशल प्रोजेक्ट को ब्रीफ कर रहे थे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ह्यूमन ब्रेन की क्वालिटीज को ऐड करना चाहते थे। वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो कि ह्यूमन ब्रेन एबिलिटीज और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो हो। असल में ये सब करना उनकी वाइफ एवलिन चाहती थी, इसीलिए वो दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक और साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, वो एक बहुत ही खराब घर के अंदर गए थे जहाँ हर चीज टूटी हुई थी और चीजों का हाल बहुत बुरा था। लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट में भी उन्हें वहाँ पर कुछ सनफ्लावर्स दिखे थे जो कि अभी तक बिल्कुल ऐसे फ्रेश थे जैसे वो किसी गार्डन में लगे हों, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। सीन कट होता है और अब हमें एक और सेमिनार दिखाया जाता है। विल एक्सप्लेन कर रहा था कि आज तक किसी इंसान ने भी ह्यूमन माइंड का 100% यूज नहीं किया। वो चाहता था कि वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाए जो कि ह्यूमन ब्रेन को 100% यूज करे, और वो कहता है कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस का बनाया हुआ गॉड होगी। उसने अपनी इस टेक्नोलॉजी को गॉड के साथ कंपेयर किया था, इसीलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस उसके खिलाफ हो गई थी। वो लोग अब विल पर नजर रखने लगे थे, यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन विल पर हमला भी कर दिया था। वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उन्हें डर था कि ये टेक्नोलॉजी गॉड को रिप्लेस कर देगी, जिससे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं रहेगी, हर चीज टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर लेगी। और अगर हर चीज टेक्नोलॉजी ने कंट्रोल कर दी तो कंट्रोल आर्टिफिशियल एजेंसीज के हाथ में आ जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। विल को गोली सिर्फ छू कर गुजरी थी, इसीलिए विल दोबारा रिकवर हो चुका था। और अब विल की एजेंसी के अंदर एक FBI एजेंट आता है। वो असल में चाहता था कि विल की सारी टेक्नोलॉजी को सेव कर लिया जाए, ताकि अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई हमला भी हो तो उसकी टेक्नोलॉजी सेफ रहे। आराम से अपना प्रोजेक्ट ऑन करके दिखा देता है, और जैसे ही अब उनका प्रोजेक्ट ऑन होता है तो वो कंप्यूटर दोनों FBI एजेंट्स की आइडेंटिटी कुछ ही सेकंड्स में बता देती है, जिसे देखकर वो FBI एजेंट्स भी बहुत इम्प्रेस हुए थे। लेकिन वहाँ पे खड़े खड़े अब विल की तबीयत खराब हो जाती है, और इसीलिए एवलिन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि विल को जो बुलेट लगी थी वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनी हुई थी। बेशक वो बुलेट उसकी बॉडी को छूकर निकल गई थी, लेकिन उस बुलेट ने उसकी बॉडी पर बहुत बुरे असर छोड़े थे, जिस तरह उसके सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ रहे थे। और अब डॉक्टर्स का कहना था कि वो एक माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। एवलिन ये सब सुन सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो किसी न किसी तरह अपने हस्बैंड को अपने पास रखना चाहती थी, और इस काम के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मैक्स के पास जाती है और उसे कहती है कि हम क्यों ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर विल के माइंड को एंटर कर दें, जिसका फायदा ये हो सकता था कि विल की मौत के बाद विल की सिर्फ बॉडी ही डेड होगी, उसका ब्रेन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के अंदर सेफ हो जाएगा, यानी उसका ब्रेन कभी भी नहीं मरेगा। मैक्स इस बात से एग्री नहीं था, लेकिन एवलिन अब उसे अपना पूरा आइडिया समझाती है, जो कि उसके साथ विल को भी काफी पसंद आया था। और विल ने भी अब मैक्स को एवलिन की हेल्प करने के लिए कहा था, क्योंकि विल तो मरने वाला था, और अगर उनका ये प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता फिर भी उससे तो मरना ही है, लेकिन अगर उनका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो वो लोग सेट हो जाएंगे। जिसके बाद अब एवलिन और मैक्स इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये काम करते करते अब उन्हें एक महीना गुजर चुका था, विल की भी डेथ हो चुकी थी। एवलिन उसकी मौत से बहुत दुखी थी, लेकिन उसके पास अभी एक होप थी, वो ये कि शायद विल उसको उसकी टेक्नोलॉजी के जरिए मिल जाए। और जब वो घर आकर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, वो थक चुकी थी, ना उम्मीद हो चुकी थी, और इसीलिए वो अपना सारा सिस्टम बंद कर रही थी कि तभी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें लिखा हुआ था I am here। वो वहाँ पर लिखती है कि क्या तुम विल हो, और तब उनके साउंड सिस्टम में एक आवाज अपीयर होती है। वो आवाज यकीनन विल की थी, लेकिन क्योंकि क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी इसीलिए वो नहीं समझ पा रहे थे कि विल क्या कह रहा है। और इसी दौरान अब वो दोनों देखते हैं कि विल ने उस कंप्यूटर की कोडिंग और सिस्टम को खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। एवलिन जल्दी से इस प्रोजेक्ट को एक मिनट के लिए शट डाउन करना चाहती थी, ताकि वो इसे गवर्नमेंट से सेव कर सके, पर अभी वो बंद कर ही रही होती है कि विल उससे इंटरनेट एक्सेस मांगता है ताकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सके।
जहाँ एवलिन जैसे ही उसे एक्सेस देने वाली थी तो मैक्स उसे रोक देता है। उसे डर था कि शायद उनका सिस्टम हैक हो चुका है और सिस्टम पर जो विल नजर आ रहा है वो असल में विल नहीं है। लेकिन एवलिन मैक्स की बात नहीं मान रही थी, वो उसे डांट कर वहाँ से भेज देती है और खुद विल को वहाँ का इंटरनेट एक्सेस दे देती है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है जिसने पहले विल पर हमला किया था। वो पिन प्रोजेक्ट को असल में बनने से पहले ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब उसे ये भी पता चल गया था कि एवलिन ने वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर लिया है। वो एवलिन पर अटैक करने के लिए आते हैं और एवलिन को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो कंप्यूटर का सारा डेटा विल को ट्रांसफर कर देती है और अपने कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ जहाँ बिल को अब सारा डेटा मिल चुका था, वो जल्दी से अपने प्रोसेसर्स का यूज करते हुए रिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसे FBI के कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांसफर कर देता है। यहाँ FBI ये देखकर हैरान थी कि कोई अननोन पावर या कोई अननोन टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प कर रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो FBI एजेंट जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, उन्होंने इस डेटा के जरिए लिफ्ट के लोगों को अरेस्ट कर लिया था। और इस सब के बाद अब विल एवलिन से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से दूर एक टाउन में चली जाओ क्योंकि यहाँ अब तुम सेफ नहीं हो और वहाँ जाकर तुम सेफ रह जाओगी। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एवलिन ने अपनी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और उसकी इस टेक्नोलॉजी के अंदर विल इतना पावरफुल हो चुका है कि वो इंसानों के सेल्स को भी ठीक कर सकता है। यानी वो अब सेल्स को हील करके किसी भी बड़ी से बड़ी इंजरी को हील कर सकता था। इसी के साथ साथ विल के अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो दूसरों के माइंड से कनेक्ट होकर उसके इमोशंस को भी पढ़ सकता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि वो दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकता था। जहाँ एवलिन को विल की सारी पावर्स का अंदाजा था और अब उसे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं ये चीज एनवायरनमेंट के लिए और दुनिया के लिए खतरनाक साबित ना हो। एक आदमी जैसे ही जख्मी होता है तो उसे विल के पास लाया जाता है जहाँ विल ने उस आदमी को अपनी टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल हैंड्स के जरिए बिल्कुल ठीक कर दिया था। नेक्स्ट डे अब एवलिन जैसे ही उस आदमी को देखती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि वो आदमी ना सिर्फ ठीक हुआ था बल्कि विल ने उस आदमी को अपने साथ इंटरलिंक कर लिया है। यानी अब वो एवलिन से उस आदमी के जरिए भी बात कर सकता था। हमें दिखाया जाता है कि एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल है। ये वही वीडियो थी जिसमें विल ने उस इंजर्ड आदमी का इलाज किया था। जिस वीडियो को देखने के बाद अब दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने के लिए वहाँ पर आ रहे थे। हम देखते हैं कि रिफ्ट और FBI इस टेक्नोलॉजी को बंद करने के लिए मिल चुके थे जहाँ अब उन लोगों को इस टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले एवलिन के लैब तक पहुँचना था जिसमें वो फ्रेंड से तो एंटर हो नहीं सकते थे, इसीलिए वो लैब में एंटर होने के लिए जमीन के नीचे एक टनल बनाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एवलिन ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे भी अब कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा था कि शायद वो गलत तो नहीं कर रही। जिस बात पर अब बिल उसको उसके हार्मोन की कंडीशन बताता है जिसे देखकर वो खुद भी हैरान हो चुकी थी कि बिल क्या क्या मालूम कर सकता है। वो हर चीज से घबरा कर उस लैब से बाहर निकल जाती है जहाँ पर बिल दूसरे आदमी के बॉडी के जरिए उसके पास आता है। इससे पहले कि वो उससे कुछ बात कर पाता वहाँ पर बम ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर कहीं से लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ साथ FBI एजेंट और मैक्स भी अपेयर होता है और यहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले वो लोग एक वायरस डेवलप करेंगे जिसकी हेल्प से वो बिल को खत्म कर देंगे और इस तरह वो टेक्नोलॉजी जिसका नाम इन्होंने पिन रखा था वो भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर मैक्स और बाकी लोग एवलिन को साथ चलने के लिए कह रहे थे लेकिन विल किसी और आदमी के जरिए एवलिन को पकड़ लेता है और साथ ही एवलिन के लैब के बाकी वर्कर्स भी वहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। वो सब यहाँ पर खड़े होकर एवलिन को प्रोटेक्ट करने लग गए थे क्योंकि उनकी बॉडी से विल कनेक्ट हो गया था और असल में विल ही ये काम कर रहा था। मैक्स ये सब देखकर सिचुएशन जान चुका था, इसीलिए वो एक वर्कर को शूट कर देता है। लेकिन अब ये देखकर सब लोग हैरान और परेशान थे कि वो आदमी कुछ ही सेकेंड में खुद ब खुद हील हो गया था। ये सब कुछ देखकर मैक्स डर चुका था और वो वापस उसी टनल के अंदर चला जाता है जहाँ से वो पहले आया था। एवलिन वहाँ
वहाँ से हर चीज छोड़कर अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, जबकि विल वहाँ के एक वर्कर की बॉडी के जरिए टनल के अंदर उन लोगों का पीछा करता है। यहाँ जो FBI के बाकी एजेंट्स एक कार के अंदर भाग रहे थे, उनका पीछा भी लैब के वर्कर्स कर रहे थे, जिन्हें हम देख रहे थे कि विल ने इतना पावरफुल बना दिया था कि वो एक कार की स्पीड से भी तेज भाग रहे थे। और यहाँ वो सारे वर्कर्स उस कार में चढ़कर उस कार के सभी लोगों को मार देते हैं, जबकि दूसरी तरफ अब हम उस आदमी को देख रहे थे जिसकी बॉडी के साथ विल कनेक्टेड था, और उसे उन लोगों ने अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से एक कॉपर फेंस के अंदर बंद कर दिया था, और इसी कॉपर फेंस की वजह से उस आदमी का विल से कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ हम देख रहे थे कि उस आदमी का कनेक्शन खत्म करने के बाद रिफ्ट और FBI ने एवेलिन को अरेस्ट कर लिया था, जबकि विल ने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ वाटर और एयर के पार्टिकल्स का यूज करते हुए इस दुनिया के सारे पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लिया था, और इसी वजह से अब अर्थ पर मौजूद सारी बीमारियां भी खत्म होने लगी थी। ये सब देखकर वो सारे काफी हैरान होते हैं, और अब मैक्स एवेलिन को बताता है कि अगर ऐसा ही रहा और एनवायरनमेंट हम लोगों ने आर्टिफिशियली कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो इस दुनिया में कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं रहेगा, और इसी वजह से अब एवेलिन भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो गई थी। और अब वो उन लोगों से कहती है कि आप लोगों ने जो वायरस बनाया है उसे मैं अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती हूँ, और जैसे ही विल मेरे साथ कनेक्ट होगा तो मेरा सारा वायरस उसके अंदर चला जाएगा, और इस तरह विल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही अब एवेलिन बता रही थी कि इस काम का एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि पूरी दुनिया का इंटरनेट खराब हो जाएगा, क्योंकि विल पूरी दुनिया के इंटरनेट कोड का एक्सेस रखता है। एवेलिन ने इंजेक्शन लगा लिया था और वो अपने लैब की तरफ बढ़ रही थी, जबकि रिफ्ट और FBI के लोग उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। एवेलिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही होती है कि वहाँ वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि विल ने अपनी फिजिकल फॉर्म को भी रिफॉर्म कर लिया था, यानी उसने अपनी बॉडी भी रीजनरेट कर ली थी, और अब वो एज ह्यूमन ही उसके पास आ रहा था। उसे देखकर ना सिर्फ एवेलिन शॉक हुई थी बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो चुके थे। एवेलिन जल्दी से विल को गले लगाती है, लेकिन फिर उसे अब अपना मिशन याद आ जाता है। वो विल से हर बात छुपाना चाहती थी और विल को मारना चाहती थी, इसीलिए वो विल के सामने अच्छा बिहेव करने का ड्रामा करती है। और यहाँ विल अब एवेलिन से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम्हें यहाँ से किसी और जगह पर चले जाना चाहिए। जिस बात का एवेलिन जवाब देती है कि अगर तुम मुझे सेव करना चाहते हो तो तुम मुझे अपनी ही तरह टेक्नोलॉजी के साथ इंटरलिंक कर दो। यहाँ दूर बैठे FBI एजेंट्स जो कि ये वेट कर रहे थे कि विल एवेलिन को अंदर लेकर जाएगा और उसकी मेमोरी को टेक्नोलॉजी के साथ इंटरलिंक करेगा, जब वो ऐसा करते नहीं देखते तो उनको लगता है कि उनका प्लान फेल हो रहा है, और वो अब विल को मारने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक FBI एजेंट उनको मना करता है, लेकिन लिफ्ट के लोग वहाँ पर धमाका कर देते हैं। ये सब देखकर एवेलिन परेशान हो चुकी थी। वो विल से कहती है कि तुम प्लीज मुझे टेक्नोलॉजी से इंटरलिंक कर दो, लेकिन अब विल ने उसके इमोशंस पढ़ लिए थे और वो उसे वो करने से मना कर देता है जो उसको एवेलिन करने को कह रही थी। और अब उनके देखते ही देखते वहाँ पर एक और धमाका हो गया था, जिसके अंदर एवेलिन शदीद जख्मी हो गई थी, और विल अब उसे उठाकर अंदर की तरफ लेकर गया था। और इसी के साथ साथ वो वहाँ मौजूद लोगों को अपने से कनेक्ट करता है और रिफ्ट और FBI के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अब एवेलिन का इलाज कर रहा था, और अगर वो अपने अंदर वायरस इंजेक्ट कर लेता तो वो एवेलिन को ना बचा पाता, और अगर वो वायरस इंजेक्ट ना करता तो मैक्स मर जाता। और यहाँ पर एवेलिन विल को समझाती है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, इसकी सजा मैक्स को नहीं मिलनी चाहिए। और ये बात सुनते ही अब विल ने अपने अंदर वायरस इंजेक्ट कर लिया था, और मरते मरते अब वो अपना ब्रेन एवेलिन के ब्रेन के साथ कनेक्ट कर देता है, और उसे दिखाता है कि कैसे वो अपनी वाइफ का एक ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। वो इस दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड में चेंज कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवेलिन चाहती थी। और यहाँ पर एवेलिन भी जान गई थी कि उसको जो लगता था कि ये सब गलत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सब सही ही हो रहा था। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि विल अपने अंदर वायरस इंजेक्ट कर चुका था, और वायरस इंजेक्ट करते ही विल
के साथ सभी लोगों का कनेक्शन टूट जाता है जिनके साथ विल ने अपना कनेक्शन बनाया हुआ था। विल मर जाता है और इस दुनिया में मौजूद सारी के सारी टेक्नोलॉजी कुछ मिनट के लिए बंद हो जाती है। ये मूवी एंड हो जाती है।